हेलो बच्चों, दिस सूरज सर। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद फन बाय अचल सर। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे आप लोग? आशा करता हूँ जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज आप लोग के लिए फिर से एक चार नंबर क्वेश्चन लेके आ गया हूँ, बहुत छोटे वीडियो में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ सकता है टारगेट के प्रैक्टिस पेपर का मॉडल पेपर 3 का क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वेश्चन है, थोड़ा सा देखा जाए तो हलवा ही है। एक बार थोड़ा ध्यान देना है, अगर आप ये वीडियो एकदम अच्छे से देखते हैं लास्ट तक में तो आपको ये हलवा लगेगा। क्वेश्चन को रीड करता हूँ, ये क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, एक बार क्वेश्चन को रीड कर लेना बच्चों। क्या है क्वेश्चन? सम ऑफ एरिया ऑफ टू स्क्वायर इज 244 सेंटीमीटर स्क्वायर। दो स्क्वायर के एरिया का सम कितना है? 244 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर से पढ़ रहा हूँ, सम ऑफ एरिया ऑफ टू स्क्वायर इज 244 सेंटीमीटर स्क्वायर। पहला कंडीशन समझ गया, दो स्क्वायर के एरिया का सम कितना है? 244 सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरा क्या है? एंड डिफरेंस बिटवीन देयर पेरीमीटर, उनके पेरीमीटर में जो डिफरेंस है वो कितने का है? इज 8 सेंटीमीटर। डिफरेंस बिटवीन देयर पेरीमीटर इज 8 सेंटीमीटर। फाइंड द रेशियो ऑफ द डायगोनल। तो मैं बस याद रखने के लिए, उनके एरिया का सम जो है 244 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उनके पेरीमीटर का डिफरेंस कितना है? 8 सेंटीमीटर। उनके डायगोनल का रेशियो फाइंड करना, फाइंड द रेशियो ऑफ द डायगोनल। बहुत आसान है, ये देखो अपने पास दो स्क्वायर है, हम लोग ले लेते हैं। चलो एक स्क्वायर ले लिया, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इसका साइड मैंने क्या ले लिया पता है? एक्स। तो चारों साइड इक्वल होता है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा पता है? साइड स्क्वायर। लेट साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर बी x सेंटीमीटर, देयरफॉर एरिया फर्स्ट स्क्वायर क्या हो जाएगा? एरिया इक्वल्स टू साइड स्क्वायर, दैट इज x स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, स्क्वायर सेंटीमीटर, x स्क्वायर सेंटीमीटर। समझ रहे हैं ना? हाँ। अब लिखो फॉर सेकेंड स्क्वायर, इसका पेरीमीटर क्या होगा वो लिख दे रहा हूं। पेरीमीटर कितना हो जाएगा? 4x सेंटीमीटर ना, 4x, 4 इंटू साइड। अब देखो फॉर सेकेंड स्क्वायर, फॉर सेकेंड स्क्वायर, दूसरे स्क्वायर के लिए, ये दूसरा स्क्वायर है, सोचो कि इसका जो साइड है वो कितना है? y सेंटीमीटर। कितना है? y सेंटीमीटर। हाँ सर, बहुत आसान है। लेट साइड ऑफ सेकेंड स्क्वायर बी वाई सेंटीमीटर, वाई सेंटीमीटर, देर फोर एरिया कितना हो जाएगा? एरिया ऑफ सेकेंड स्क्वायर वाई स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर ना। पेरीमीटर कितना हो जाएगा? 4y। सर इतना मुझे सब समझ गया, हलवा है एकदम, बाकी भी हलवा है। अब पहला कंडीशन क्या है? पहली बात तो एज पर द फर्स्ट कंडीशन, पहला कंडीशन है सम ऑफ एरिया ऑफ टू स्क्वायर, दो स्क्वायर के एरिया का सम, सम का मतलब क्या? एड इज 244 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया का सम करो इसका और इसका, मतलब सर आप ये बोल रहे हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 244। बिल्कुल सही, मेक इट इक्वेशन नंबर 1। घबराओ मत, आएगा हलवा। अब देखो आगे क्या बोला है, डिफरेंस एंड डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर, डिफरेंस इन देयर पेरीमीटर, डिफरेंस इन देयर पेरीमीटर इज 8 सेंटीमीटर। देखो क्वेश्चन में दिया है, क्या दिया है? डिफरेंस, हाँ डिफरेंस बिटवीन देयर पेरीमीटर, डिफरेंस बिटवीन देयर पेरीमीटर इज, डिफरेंस का मतलब क्या होता है? माइनस, हलवा है एज पर द सेकेंड कंडीशन।
एज पर द सेकेंड कंडीशन. डिफरेंस इन देयर पेरीमीटर, ठीक है. तो क्या करो, एक को लार्जर मान लो, डिफरेंस हमेशा क्या होता है बिगर माने स्मॉलर. तो किसको भी बड़ा मान लो, बड़ी इसको बड़ा मान लो या इसको मान लो, आपकी मर्जी है. यहां तो ऐसा लिख देना, लेट लार्जर स्क्वायर बी फॉर, जहां मैं फर्स्ट लिखा हूं आप लोग लार्जर लिख देना, ठीक है. क्योंकि डिफरेंस हमेशा कैसे निकालते, बिगर माइनस स्मॉलर. तो क्या हो जाएगा, 4x माइनस 4y इक्वल्स टू 8. समझा, डिफरेंस बिटवीन देयर पेरीमीटर, उनके पेरीमीटर में डिफरेंस. डिफरेंस कैसे, जैसे आपके पास 10 रुपए है, मेरे पास 20 रुपए है, तो डिफरेंस कितने का है, बोलेंगे 10 रुपए का. कैसे बोलेंगे, 20 में से 10 माइनस कर दिया ना, 20 रुपए में से 10 रुपए माइनस कर दिया, वो डिफरेंस हो गया. तो ऐसे यहां पे, अब यहां देखो, हमरा मनवा तोरा मनवा का मनवा, 4 क्या है कॉमन है, तो या तो 4 निकाल के डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड कर दोनों साइड, डिवाइड बोथ साइड बाय 4. तो क्या बचेगा, एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 2 ना, 4 कैंसिल हो गया, 4 कैंसिल हो गया, 4 से डिवाइड किया दोनों साइड, तो क्या हो जाएगा इधर 2. अब मेरे प्यारे बच्चों, देयरफॉर यहां पे माइनस वाई है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस वाई, ठीक है. मेक इट इक्वेशन नंबर 2, एक्स की वैल्यू क्या मिल गई 2 प्लस वाई. अब ये एक्स की वैल्यू यहां पुट कर दो इक्वेशन नंबर 1 में, तो मिलेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन. फिर आप इसको सॉल्व कर दीजिए, हलवा बन जाएगा. चलो रफ करने के लिए लगता है मैं भूल गया. सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन 1, या तो फ्रॉम 1 और 2 को लिखेंगे तो भी चलेगा. चलो तो यहां लिखो, एक्स का स्क्वायर है ना, एक्स की वैल्यू क्या है 2 प्लस, तो उसका स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर प्लस क्या है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2 4 4 2 4 4. मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, ए प्लस बी द होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2 2 जा कितना हो जाएगा 4 y, ये तो उसको ये वाई स्क्वायर है इक्वल्स टू 2 4 4. देखो ए प्लस बी द होल ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ये वाई स्क्वायर यहाँ था, तो मैं इसको अरेंज कर दे रहा हूँ, वाई स्क्वायर 2y² प्लस 4y प्लस 4, ये यहाँ प्लस 244 है, इस साइड आएगा तो माइनस 244 इक्वल्स टू 0. तो मेरे प्यारे हलवा है, आप क्या भी आता रहे, देखने में थोड़ा सा अलग था लेकिन तो हलवा है, प्लस 4y, यहाँ बिगर नंबर का साइन आएगा, बिगर में से स्मॉलर माइनस हो जाएगा, माइनस और 244 में से 4 माइनस हो गया. अब इसको देखेंगे तो कुछ कुछ होने लगेगा, अगर नहीं हो रहा है तो कुछ तो गड़बड़ है, होना चाहिए, ठीक है. मुझे हो रहा है, आपको भी होना चाहिए. क्या हो रहा है, सब में 2 है तो 2 से क्या कर देंगे डिवाइड, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या आएगा वाई स्क्वायर, यहाँ क्या आएगा वाई, यहाँ 2y मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए, माइनस 120 प्लस माइनस करने पे 2 12 10, एक को माइनस होना माइनस, तो यहाँ देखो यहाँ साइन क्या है प्लस, बिगर नंबर का साइन क्या होना चाहिए प्लस और स्मॉलर नंबर का माइनस, प्लस 10 माइनस 12 माइनस 10, देयरफॉर इसको कैसे वाई स्क्वायर प्लस 12y माइनस 10 माइनस 120 इक्वल्स टू 0. अब इसको कुछ कुछ हो रहा है क्या, यहाँ पे वाई स्क्वायर के 2 है, एक बार कॉमन लिया, हमरा मनवा मनवा का मनवा, बोलेंगे आओ बाहर, तो जब एक बाहर आएगा तो एक बचा एक अंदर जाएगा, और इधर से प्लस बचा और 12, एक इधर से y बाहर निकल चुका. जो भी को लिख लीजिए, जो कॉमन इन कॉमन प्लस क्या बचा वाई, और वाई इन यहां प्लस आए वही नहीं आएगा, बस सूरत से वैल्यू पढ़ने का कभी भी होगा, जो
लिखिए, अगर वही यहाँ है तो प्लस आएगा, तो 10 कॉमन गलत क्या है 12 प्लस 12 को कॉमन निकल दिए, इधर से y इक्वल्स टू 0 बच्चों को 0 y प्लस 12 इक्वल्स टू y माइनस 10 इक्वल्स टू 0 वेरिएबल माइनस 12 और y इक्वल्स टू 10 लिखेंगे, देयरफॉर y कैन नॉट बी इक्वल्स टू माइनस because side of square cannot be negative, cannot be side of square negative हो सकता है, therefore y equals to 10 centimeter, तो x आएगा y यहां पुट कर दो, हाँ प्लेन वैल्यू राइट साइड द वैल्यू ऑफ इक्वेशन देयर इक्वल्स टू प्लस वैल्यू है 10 है और सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर बिगर वाला जो है उसका जो साइड होगा 12 होगा और स्मॉल वाले साइड अपने को क्या है फाइंड रेशियो ऑफ देयर डायगोनल, रेशियो ऑफ डायगोनल, डायगोनल फार्मूला रूट टू साइड, यहां क्या लिखेंगे सिंस स्क्वायर इक्वल रूट टू इनटू रूट टू इनटू या साइड इनटू भी बोला इक्वल्स टू डायगोनल बिगर डायगोनल रूट बिगर 12 रूट टू साइड ऑफ रेशियो वाला क्या डिवाइड, ठीक है क्या है बेटा कुछ कुछ तो 6 रेशियो 5 या 5 6 लिखा तो इसका भी राइट, ठीक है मेरे बच्चों ये था एकदम हलवा, मुझे पूरा विश्वास समझा होगा, अच्छा भी लगा, आप लोग बस राम बाबा का आपको याद कर उनका ही कई बार कई बातों पे हम चलते हैं और आप भी करने से जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना मैथ आपको, ठीक है योग करते रहिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों और नेक्स्ट वीडियो में बच्चों।